नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 20 अगस्त 2018 और स्वागत है आपका प्रीमियम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होगी मॉरिशस में। थीम है इस बार की वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति। हर 3 साल में हिंदी लैंग्वेज पे डेडिकेटेड वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है। 1975 में यानी 1975 में सबसे पहली बार नागपुर में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी। उसके बाद हर एक 3 साल में एक बार ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है और इस बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होगी मॉरिशस में यानी देश से बाहर। पिछली बार 10th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी भोपाल में। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस में हिंदी से संबंधित सेकुलर्स, राइटर्स, लॉरिएट्स और भी हिंदी लैंग्वेज से संबंधित विभिन्न प्रकार के एमिनेंट पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं और चर्चा होती है कैसे वर्ल्ड में हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। अभी यूएन में 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कोशिश ये भी की जाती है कि कैसे ना कैसे करके यूनाइटेड नेशंस में भी हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिलवाया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कुछ समय पहले मॉरिशस में ही वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरियट की स्थापना की गई है। अगर यूपीएससी पूछती है कि वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरियट कहां पे है, आंसर होगा मॉरिशस। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित है। क्या कंटेक्स्ट है? एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई। इश्यू था फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट आई है उसे डिस्कस करने के लिए, और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई तमिलनाडु के थंजावुर में। थीम डबलिंग फार्मर्स इनकम थ्रू फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से संबंधित एकेडमियाज या फिर फार्मर्स, इंडस्ट्री के लीडर्स, रिसर्चर्स, उन सब ने पार्टिसिपेट किया इस कॉन्फ्रेंस में। मकसद एक ही था, कैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को हमारे देश में आगे ले जाया जाए। मेनली 8 टेक्निकल सेशंस ऑर्गेनाइज हुए इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में और काफी सारे स्पीकर्स ने अपनी बात रखी। ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बात करें कहां पे ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी। शहर का नाम तो हमने डिस्कस कर दिया, तमिलनाडु के शहर थंजावर में। लेकिन वहां पर एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, उसी के अंदर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई। ये इंस्टीट्यूट देखो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के अंदर। हेडक्वार्टर जैसा हमने डिस्कस किया थंजावर तमिलनाडु में है। ये इंस्टीट्यूट फूड प्रोसेसिंग से संबंधित एजुकेशन प्रोवाइड करता है और इवन फूड प्रोसेसिंग से संबंधित इश्यूज पे रिसर्च भी करता है। इसके अलावा फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स और जो एस्पायरिंग यूथ हैं उनको गाइड भी किया जाता है ताकि वो भी फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। रीजनल ब्रांचेस वैसे गुवाहाटी और बठिंडा में भी हैं। पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में यानी IIFPT के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल एशियन गेम्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? एशियन गेम्स का 18वां एडिशन अभी फिलहाल ऑर्गेनाइज हो रहा है इंडोनेशिया में। ये दूसरी बार है कि एशियन गेम्स, जिन्हें एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, वो इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। और ये भी पहली बार है कि एशियन गेम्स 2 सिटीज में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, एक जकार्ता और दूसरा पैलेमबांग। एशियन गेम्स हर 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइज होते हैं और इस बार एशियन गेम्स की खास बात ये है कि ई स्पोर्ट्स यानी वीडियो गेम्स को भी शामिल किया गया है इन गेम्स में। लेकिन अवार्ड्स यानी मेडल्स नहीं दिए जाएंगे इस बार। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कहा यह जा रहा है कि अगली बार ई स्पोर्ट्स यानी वीडियो गेम्स के लिए मेडल भी दिए जाएंगे। 1982 से पहले यानी 1982 से पहले एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता था एशियन गेम्स फेडरेशन यानी AGF के द्वारा। लेकिन 1982 के बाद से ही ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA के द्वारा एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऐसा गेम है जिसमें सबसे ज्यादा एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ओलंपिक गेम्स के बाद एशियन गेम्स में ही सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन रहता है एथलीट्स का। पिछली बार एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया था इंचियोन, साउथ कोरिया में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल विभिन्न प्रकार के फ्यूल्स के लिए व्हीकल्स पर विभिन्न प्रकार के कलर स्टिकर्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा एक प्रपोजल रखा गया था सुप्रीम कोर्ट में कि NCR में, नेशनल कैपिटल रीजन में, हम एक ऐसी स्कीम लाना चाहते हैं जिसके तहत अगर कोई डीजल की कार होगी तो उस डीजल की कार पर ऑरेंज कलर का स्टिकर होगा,
यानी होलोग्राम होगा, उस होलोग्राम पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा। और अगर देखो सीएनजी की गाड़ी होगी या फिर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी होगी, तो उस गाड़ी पर, उस व्हीकल पे लाइट ब्लू कलर का होलोग्राम होगा और इसके अलावा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा। इस प्रकार की स्कीम लाना चाहती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया गया है, यानी एनसीआर में सितंबर 2018 से पहले पहले जो भी गाड़ियां दौड़ती हैं, कोई भी हो, कार, जीप हो, कुछ भी हो, उनको बताना पड़ेगा, यानी अपनी व्हीकल पर एक होलोग्राम लगाना पड़ेगा फ्यूल के हिसाब से। अगर डीजल से चलने वाली गाड़ी है तो ऑरेंज कलर का होलोग्राम लगेगा और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और अगर व्हीकल चलता है पेट्रोल से या फिर सीएनजी से तो स्टिकर यानी होलोग्राम होगा लाइट ब्लू कलर का। ऐसा देखो इसलिए किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा, ताकि अगर पुराने व्हीकल्स हैं और अगर ऐसे व्हीकल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, तो उनकी पहचान की जा सके और इन्वायरमेंट को और ज्यादा पोल्यूटेड होने से बचाया जा सके। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज विचार ये भी कर रही है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं यानी बिजली से चलते हैं, जैसे ई रिक्शा वगैरह या फिर हाइब्रिड व्हीकल्स, वो हरे रंग की प्लेट इस्तेमाल करें अपने नंबर को मार्क करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल क्यूरोसिटी के बारे में है। नासा का देखो मार्स यानी मंगल ग्रह को एक्सप्लोर करने के लिए एक मिशन है जिसका नाम है मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। उसी प्रोग्राम में नासा के द्वारा जिस रोवर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी रोवर का नाम है क्यूरोसिटी। देखो ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के बारे में हमने काफी बार डिस्कस किया है। ऑर्बिटर वो होता है जो किसी सेलेस्टियल बॉडी के आर पार चक्कर काटता है। मान लीजिए ये मून है, मून के आर पार अगर कोई ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है तो वो होगा ऑर्बिटर। उसके बाद ऑर्बिटर से अलग होके जो चीज लैंड करती है किसी सेलेस्टियल बॉडी पे, मून पे या मार्स पे या किसी दूसरे ग्रह पे, वो होता है लैंडर। बाद में लैंडर से अलग होके एक छह पहिए की गाड़ी जो निकलती है और उस सेलेस्टियल बॉडी को एक्सप्लोर करती है, वो होती है रोवर। क्यूरोसिटी जो है वो नासा का रोवर है जो कि एक्सप्लोर कर रहा है मार्स को, देख रहा है क्या मार्स पे कभी ऐसा इन्वायरमेंट रहा है जिसकी सहायता से लाइफ संभव हो मार्स पे। अभी कंटेस्ट ये है कि देखो इसी रोवर ने यानी क्यूरोसिटी ने एक फॉरेन ऑब्जेक्ट का डेब्रिस यानी कचरा डिटेक्ट किया है मार्स पर। कचरा किस फॉर्म में डिटेक्ट किया है? रॉक की फॉर्म में, यानी चट्टानों के टुकड़ों की फॉर्म में। एक इंपॉर्टेंट बात, क्यूरोसिटी जो रोवर है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है रेडियो आइसोटोप प्लूटोनियम की सहायता से, यानी रेडियो आइसोटोप पावर सिस्टम है और उसी पावर सिस्टम की सहायता से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है रोवर के द्वारा और उसी की सहायता से चलता है रोवर। हाल ही में मार्स पे दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स को भी डिटेक्ट किया गया था रोवर के द्वारा यानी क्यूरोसिटी के द्वारा, एक ब्यूट और दूसरा मैसा। कुछ नहीं है, ये स्ट्रक्चर्स हैं। ब्यूट की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है और मैसा की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। इन्हीं को डिटेक्ट किया गया था क्यूरोसिटी के द्वारा मंगल ग्रह पे। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल चंगई फोर के बारे में है। चंगई फोर देखो मून यानी चंद्रमा को एक्सप्लोर करने के लिए चाइना का मिशन है। अगर यूपीएससी पूछती है, कई बार यूपीएससी मैच द फॉलोइंग करवा लेती है, जैसे एक ऑप्शन होगा क्यूरोसिटी, दूसरा ऑप्शन होगा चंगई फोर, जहां पे ऑप्शंस होंगे जैसे चंगई के आगे लिखा होगा ये एक रोवर है चाइना का मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए, ऊपर लिखा होगा ये मून को एक्सप्लोर करने के लिए नासा का एक मिशन है। दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। चंगई फोर देखो चंद्रमा को एक्सप्लोर करने के लिए चाइना का मिशन है और ये चंगई थ्री की एडवांस फॉर्म है। चंगई फोर में रोवर, ऑर्बिटर, लैंडर सब कुछ होगा, मतलब छह पहियों की गाड़ी निकलेगी लैंड से और वो चंद्रमा को एक्सप्लोर करेगी। एक खास बात देखो चंगई फोर चाइना के इस मिशन की ये है कि चंद्रमा का डार्क एरिया यानी वो एरिया जो धरती से दिखता नहीं है, जिसको अभी तक किसी मिशन के द्वारा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो चाइना की स्पेस एजेंसी का कहना है और चाइना की नेशनल डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्यूरो का कहना है चंगई फोर जो मिशन होगा चाइना का, वो चंद्रमा की डार्क साइड को एक्सप्लोर करेगा। ये पहली बार होगा किसी भी देश का कोई मिशन चंद्रमा की डार्क साइड को एक्सप्लोर करेगा। इससे पहले चाइना का जो चंगई थ्री मिशन था उसने चंद्रमा की विजुअल साइड को एक्सप्लोर किया था। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया चंगई फोर जो कि चाइना का एक मिशन है, दिसंबर में इसे लॉन्च किया जाएगा, मून को एक्सप्लोर करेगा ये मिशन। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल फॉल आर्मी बॉम्ब टेस्ट के बारे में है।
इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन फिर से सुर्खियों में है, काफी सारे आर्टिकल्स आए हैं इस पेस्ट के ऊपर। अभी कंटेक्स्ट ये है, देखो तमिलनाडु में भी किसान चिंतित है कि वहां पर मेज यानी मक्के की जो फसलें हैं उनको अटैक किया जा सकता है फॉल आर्मीवर्म पेस्ट के द्वारा यानी इस कीट के द्वारा। इवन कुछ कुछ खबरें आई भी हैं कि तमिलनाडु में भी इस पेस्ट का, इस कीट का अटैक देखा जा रहा है मक्के की फसलों पर। ऑलरेडी कर्नाटक में सबसे पहले ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा सूचित किया गया कि वहां पर मक्के की जो फसलें हैं उन पर अटैक किया गया है इस पेस्ट के द्वारा। उसके बाद तेलंगाना में भी इसी प्रकार की खबरें आई और अब तमिलनाडु के किसान भी चिंतित हैं। देखो वैसे तो ज्यादातर इस पेस्ट के द्वारा, इस कीट के द्वारा अटैक किया जाता है मक्के की फसलों पर, लेकिन इसके अलावा भी प्लांट्स की बहुत सारी स्पीसीज इंक्लूडिंग राइस, सोरगम, मिलेट, सुगर केन, कॉटन पर भी अटैक किया जाता है फॉल आर्मी वर्म के द्वारा। इसे कंट्रोल किया जा सकता है इंसेक्टिसाइड्स की सहायता से और इंटरक्रॉपिंग की सहायता से, मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे अलग अलग अगर क्रॉप्स उगाई जाती हैं, इंटरक्रॉपिंग होती है, तो रोका जा सकता है फॉल आर्मी वर्म पेस्ट के अटैक को। सबसे पहले इस पेस्ट का अटैक देखने को मिला था नॉर्थ अमेरिका में, उसके बाद इस पेस्ट का अटैक देखने को मिला 2016 में अफ्रीका में भी, उसके बाद धीरे धीरे ये सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में भी फैल गया है और चिंता की बात यह है कि अब एशिया में भी और इवन इंडिया में भी इस पेस्ट का, इस कीट का अटैक देखने को मिल रहा है। इसलिए जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वो दवाई खोजने की कोशिश कर रही हैं और ये भी खोजने की कोशिश कर रही हैं कैसे इस पेस्ट के अटैक को रोका जा सकता है मक्के की फसलों पर और दूसरी फसलों पर। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फॉल आर्मी वर्म पेस्ट के अटैक के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट ज्योग्राफिकल लोकेशंस की सीरीज में। आज हम डिस्कस करेंगे यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। पिछली वीडियो में हमने यमुना रिवर के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज भी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है देखो बेतवा रिवर, आप मैप पे लोकेशन देख लीजिए बेतवा रिवर की, यहां पर देखो ये है बेतवा रिवर और निकलती कहां से है, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के नॉर्थ में विंध्याज रेस से ओरिजिनेट होती है बेतवा रिवर, जिसे वेत्रावती रिवर के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर देखो वेत्रावती के नाम से जाना जाता है, ओरिजिनेट होती है विंध्याज रेंज से, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है और ओरछा से होते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। ये देखो ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। उसके बाद यमुना रिवर में मिल जाती है बेतवा रिवर, कहां पर, हमीरपुर टाउन के पास उत्तर प्रदेश में। टोटल लेंथ कितनी है बेतवा रिवर की, टोटल लेंथ है 590 किलोमीटर। अब बात करते हैं हिंडोन रिवर की। हिंडोन या फिर हिंडोन रिवर देखो रेनफेड रिवर है, मतलब बारिश के सीजन में पानी आता है इस रिवर में। ओरिजिनेट कहां से होती है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होती है, गंगा और यमुना रिवर के बीच में फ्लो करती है, यमुना रिवर में मिल जाती है दिल्ली के पास। टोटल लेंथ है 400 किलोमीटर। इसके बाद केन रिवर के बारे में भी आप देख लीजिए, ये है केन रिवर। केन रिवर देखो बुंदेलखंड की एक काफी इंपॉर्टेंट रिवर है और दो स्टेट से होकर गुजरती है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये थी हमारी आज की डिस्कशन, शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया 11वीं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के बारे में, उसके बाद हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांसेस इन फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, ये कॉन्फ्रेंस तमिलनाडु के थंजावुर में ऑर्गेनाइज हुई। हमने एशियन गेम्स के बारे में जाना, सुप्रीम कोर्ट को जो प्रपोजल दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा, उस प्रपोजल के बारे में जाना और उस प्रपोजल को अब स्वीकृति दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्यूरोसिटी के बारे में हमने जाना, नासा का जो मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है उसी प्रोग्राम के अंदर रोवर है क्यूरोसिटी। और सबसे लास्ट में हमने चंगई 4 के बारे में जाना, ये चाइना का एक मिशन है मून को एक्सप्लोर करने के लिए। चंगई 3 की एडवांस फॉर्म है चंगई 4 और इसे लॉन्च किया जाएगा दिसंबर में। ज्योग्राफिकल लोकेशंस की सीरीज में आज हमने यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कस किया। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।